मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से बीजेपी कितना डरती है, मोदी कितना डरते हैं, इस बात का सबूत स्वतंत्रता दिवस के मौके पर साफ साफ हर किसी को दिखाई दिया। किस तरह से राहुल गांधी को जानबूझकर पीछे वाली लाइन में बैठाया गया, वो भी हर किसी ने देखा। आरोप लगा कि मोदी का डर है राहुल गांधी के लिए, कि राहुल गांधी से कितना डरते हैं, उनकी लोकप्रियता से कितना डरते हैं कि उनको पीछे बैठाया गया। लेकिन इससे राहुल गांधी की लोकप्रियता कम नहीं हुई, बल्कि बीजेपी का डर और बढ़ गया, क्योंकि जनता भड़की हुई है। इसी बीच अब अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का डर राहुल गांधी को देकर साफ देखने के लिए मिला है, जहां डर के मारे अमित शाह ने राहुल गांधी के मामले पर सफाई दे डाली है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी हिस्सा लिया। इसी स्वतंत्रता दिवस समारोह से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां राहुल गांधी को ओलंपिक पदक विजेताओं के साथ सबसे आखिरी लाइन में बैठे देखा गया। यहां गौर करने वाली बात यह है कि 10 साल में पहली बार विपक्ष का कोई नेता स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए लाल किले पर मौजूद था। ऐसे में उन्हें पीछे बैठाए जाने पर विवाद हो गया है। सोशल मीडिया पर लोग ऐसे कह रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ अन्याय हुआ है, राजनीति से प्रेरित होकर उन्हें पीछे बैठाया गया है। इसको लेकर कहा गया है कि मोदी के हर किसी ने क्लास लगा दी है, जनता से लेकर कांग्रेस सभी सवाल उठा रहे हैं और मोदी पूरा घिर चुके हैं। इसी बीच अब गृह मंत्रालय की सफाई सामने आई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में गृह मंत्रालय ने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दे दिया है। दो टूक में कहा गया है कि किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। असल में शुरुआती पंक्तियों में इस बार ओलंपिक विजेताओं को बैठाया गया, उसके बाद जो पहली पंक्ति थी उसमें राहुल गांधी बैठे। ये सफाई थी गृह मंत्रालय की, यानी अमित शाह की तरफ से। इसके बाद से कहा जाने लगा कि ये डर है, कुछ और नहीं, अमित शाह का डर है राहुल गांधी को लेकर, तो उन्होंने तुरंत सफाई दे डाली। क्योंकि इस मामले में अब बहुत बवाल मच गया है, कांग्रेस सवाल उठा रही है। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ अन्याय हुआ है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने इस मामले में कहा, रक्षा मंत्रालय इतना खराब व्यवहार क्यों कर रहा है? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को चौथी कतार में बैठाया गया है। नेता प्रतिपक्ष का पद किसी भी केंद्रीय मंत्री से बड़ा होता है। लोकसभा में वो प्रधानमंत्री के बाद आते हैं। राजनाथ सिंह जी, आप रक्षा मंत्रालय को राष्ट्रीय समारोह का राजनीतिकरण करने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? आपसे इसकी उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि प्रोटोकॉल के मुताबिक लोकसभा में विपक्ष के नेता को हमेशा आगे की पंक्ति में सीट दी जाती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद से अब कांग्रेस लगातार सवाल उठा रहा है और मोदी पर सबसे बड़ा सवाल है। इसी बीच कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत जो है, उन्होंने भी इसको लेकर पीएम मोदी को घेरा है और उन्हें खूब खरी खरी सुनाई है। अंत में आपको वो सुनाते हैं इस खबर पर आपकी क्या राय है। जिस तरह से अमित शाह ने गृह मंत्रालय ने सफाई दी है, उस पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। नरेंद्र मोदी एक छोटी मानसिकता के और बड़े छोटे दिल के आदमी है और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पांचवी लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी, आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पांचवी रो में बैठे या पचासवी रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। लेकिन ये दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है। क्योंकि सच ये है कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है। पहली रो में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही पांचवी रो में नहीं बिठाया गया। खड़गे जी के लिए भी सीट जो थी वो पांचवी रो में ही थी। एक बेवकूफी का बयान रक्षा मंत्रालय की ओर से आया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम ओलंपियंस को इज्जत और सम्मान देना चाहते थे। बिल्कुल देना चाहिए, ओलंपियंस को सम्मान दीजिए, विनेश फोगाट को भी सम्मान दीजिए। लेकिन क्या ये सम्मान अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमन, जयशंकर नहीं देना चाहते थे? तो आपके बयान जो है वो आपकी कलाई और खोल रहे हैं, तो बयान ना दीजिए, इससे बेहतर होगा। नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सरकार को जवाबदेह बनाता है, वो सरकार को कटघरे में खड़ा करके लोगों के मुद्दे उठाता है।
असलियत ये है कि राहुल गांधी से आप लोग असहज हो जाते हैं, वो आंख में आंख डाल के आपसे सवाल पूछते हैं, वो आपके भ्रष्टाचार को, आपकी नाकामियों को, आपकी विफलताओं को आपके मुंह पर कहने की ताकत रखते हैं, तो आप उनसे आंखें चुराते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पांचवीं रो में बैठाइए या पचासवीं रो में, राहुल गांधी फिर भी राहुल गांधी रहेंगे। लेकिन ये कर एक बार फिर से आप लोग कितने छोटी मानसिकता के क्षुद्र, बिल्कुल चूहे के कलेजे वाले लोग हैं, ये फिर से आपने सिद्ध कर दिया।